हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय डिप्शन रोशनी की पाठशाला डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज 17 जनवरी है। 17 जनवरी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा और की पॉइंट्स आप नोट डाउन कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में शुरू किया गया है ऑपरेशन अमृत। तो ऑपरेशन अमृत क्या है, तो चलिए जानते हैं ऑपरेशन अमृत के बारे में। केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है। इस पहल के तहत लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स बेचने वाले फार्मेसियों की जानकारी औषधि नियंत्रण विभाग को देंगे, जिससे जो है राज्य औषधि नियंत्रण विभाग एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री पर नजर रखेगा। बात करें हम केरल की, तो केरल की कुछ बेसिक जानकारी हम रिवाइज कर लेते हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, राजधानी तिरुवनंतपुरम है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी हैं, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन जी हैं। तो केरल में कुछ 4 राष्ट्रीय उद्यान है, तो चलिए देखते हैं, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट थैली नेशनल पार्क और मधिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान है। तो केरल जो है 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, कर्नाटका और तमिलनाडु के साथ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालयन वुल्फ को रेड लिस्ट में शामिल किया गया है IUCN के द्वारा। तो हिमालयन हिमालय भर में जो है पाए जाने वाले शिकारी हिमालयन वुल्फ, जिसको जो है कैनिस ल्यूपस चाको भी कहा जाता है, इनको IUCN ने जो है लाल सूची में असुरक्षित वाले लिस्ट के रूप में जो है वर्गीकृत किया है हिमालयन वुल्फ को। मूल्यांकन कब किया गया था? 27 जून 2023 को किया गया था। जनसंख्या आकार के अनुमान जो है के आधार पर हिमालयी वुल्फ को असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हिमालयन वुल्फ जो है भारत में नेपाल, भारत और तिब्बती पठार की हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं। हिमालय वुल्फ निवास का छोटा क्षेत्र जो है भारत का एक उत्तराखंड और सिक्किम राज्यों में भी पाए जाते हैं। तो IUCN के बारे में हम जान लेते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है IUCN का फुल फॉर्म। सरकारों और नागरिकों को जो है दोनों से मिलकर बना संगठन है IUCN। इसका निर्माण प्रकृति को संरक्षित करने के लिए किया गया है। स्थापना 1948 को की गई थी। मुख्यालय इंग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। IUCN रेड लिस्ट में उन जानवरों और पौधों को शामिल करता है जिनका बहुत कम बचा हो, ठीक है, जिनकी संख्या जो है बहुत कम हो, उसको जो है रेड लिस्ट में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पहले बीच गेम्स 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने हासिल किया है पहला स्थान। तो भारत में जो है पहली बार बीच गेम्स 2024 आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने मध्य प्रदेश ने जो है शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत में पहले बीच गेम्स 2024 का आयोजन द्वीप में घोंगला बीच पर किया गया है। आयोजन जो है 4 से 11 जनवरी 2024 तक किया गया है और इन खेलों में मध्य प्रदेश चैंपियन बना है। मध्य प्रदेश ने 7 स्वर्ण पदक सहित कुल 18 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, साथ ही टोटल 14 पदक हासिल किए हैं महाराष्ट्र ने। बात हम करें तमिलनाडु, उत्तराखंड, दादर नगर हवेली, दीव और दमन ने 12-12 पदक हासिल किए हैं। असम ने 8 पदक जीते हैं, जिनमें से 5 स्वर्ण पदक हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में आयोजित हुआ है। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन राजस्थान के बीकानेर जिले में किया गया है। बीकानेर क्षेत्र जो है ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है और महोत्सव में स्थानीय कलाकारों के द्वारा अपनी संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोरावर लाइट टैंक का विकास परीक्षण किसने शुरू किया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा DRDO ने शुरू किया है। जोरावर लाइट टैंक के विकास परीक्षण शुरू हो चुके हैं। DRDO इस साल अप्रैल तक इसे आगे के परीक्षण के लिए भारतीय सेना को सौंप देगा। नए इंजन से लैस इस टैंक का विकास और उत्पादन DRDO द्वारा लार्सन एंड ट्रूबो के साथ जो है साझेदारी में किया जा रहा है। सेना ने DRDO द्वारा 59 जोरावर लाइट टैंकों के उत्पादन और आपूर्ति का ऑर्डर दिया है।
तो बात करते हैं हम प्रोजेक्ट जोरावर के बारे में कि ये क्या है। प्रोजेक्ट जोरावर का लक्ष्य 25 टन से अधिक वजन का एक हल्का टैंक विकसित करना है। टैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, निगरानी ड्रोन और एक सुरक्षा प्रणाली से लैस है। बात हम करते हैं डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान और किसान सॉरी विकास संगठन, ठीक है। तो इसका गठन हुआ था 1958 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत जी हैं। इसका कार्य क्या है देखिएगा, सुरक्षा बलों के लिए अत्याधुनिक सेंसर हथियार उपकरणों का डिजाइन और विकास और उत्पादन करना और इसके लिए शोध करना है डीआरडीओ का काम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 13वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र नागपुर में किया गया है। दिव्यांग उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए 13वां दिव्य कला मेला 12 जनवरी से 21 जनवरी 2024 तक नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। दिव्य कला मेला के माध्यम से देश भर में दिव्यांग उद्यमियों कारीगरों के लिए उत्पादों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन किया जाता है। 12वीं दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, करंट अफेयर में हमने पढ़ा था गुजरात के सूरत में किया गया था 12वीं दिव्य कला मेला 2023 का, ठीक है। तो जो कि अभी 13वां दिव्य कला मेला 12 जनवरी से 21 जनवरी 2024 का जो है नागपुर महाराष्ट्र में किया जा रहा है। तो ये जो है क्वेश्चन आप डिफ्रेंशिएट करके आप याद कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मनोवर राणा का निधन हो गया है, वह कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे एक उर्दू पोएट थे। तो मशहूर शायर मनोवर राणा का लखनऊ में निधन हो गया है। जन्म जो है इनका जन्म 26 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के एक गांव में हुआ था। साल 2004 में सरस्वती समाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और साल 2014 में उन्हें उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पीएम मोदी ने किस योजना के अंतर्गत पक्के घरों के लिए 540 करोड़ रुपए फंड की पहली किस्त जारी की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीएम जनमन योजना के तहत जो है अपनी पहली किस्त जो है रुपए फंड जो है पहली किस्त जारी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो 15 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन योजना के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया और अति पिछड़े जनजाति समूह के 1 लाख लाभार्थी परिवारों को जो है पक्के घरों के लिए 540 करोड़ रुपए फंड की पहली किस्त जो है जारी की है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है आगामी एग्जामों के लिए, अभी जो हाल ही में एग्जाम होगा तो उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो विशेष पिछड़ी जनजाति लोगों के विकास और उत्थान के लिए केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम जनमन योजना शुरू की थी। तो कब किया था, जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम जनमन योजना 15 नवंबर को जो है शुरू की थी। इसका मुख्य लक्ष्य जो है विशेष रूप से कमजोर जनजातियों का संपूर्ण विकास करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गांधी ए लाइफ इन थ्री कैंपस नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम जे अकबर ने लिखा है। प्रसिद्ध लेखक एम जे अकबर ने सह लेखक के नटवर सिंह के साथ गांधी ए लाइफ इन श्री कैंपस नामक जो है एक नई पुस्तक का अनावरण किया है। यह पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन और संघर्षों पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं और करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 सालों में कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24.8 करोड़ लोग जो है भारत में गरीबी से बाहर निकले हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 9 सालों में 24.8 करोड़ गरीबी से बाहर निकले हैं। इस सबसे ज्यादा 5.94 करोड़ उत्तर प्रदेश के गरीबी से बाहर निकले हैं, जबकि बिहार में 3.77 करोड़ और मध्य प्रदेश में 3.30 करोड़ और राजस्थान में 1.47 करोड़ लोगों की गरीबी के स्तर में सुधार आई है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी दर 2013 से 14 में
29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% रह गई है। बात करते हैं हम नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं और उपाध्यक्ष सुमर बेरी जी हैं और सीईओ हैं वीवीआर सुब्रमण्यम जी। सरकार की थिंक टैंक के रूप में यह कार्य करता है। बात करते हैं हम पिछले करंट अफेयर की। तो पिछले करंट अफेयर को जो है हम रिवाइज करते हैं ताकि अच्छे से याद रहे। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पिछले करंट को हम रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम एडिशनल जीके डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, युवा निधि योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका में की गई है। लाई चिंग ते किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं लाई चिंग ते। डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे एक शास्त्रीय गायिका थी। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुबई में किया गया है। अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। कैपिटल फूड्स कंपनी की 100% हिस्सेदारी किस कंपनी ने खरीद ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने खरीदी है। फ्रेडरिक एक्स किस देश के राजा बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क के राजा बने हैं फ्रेडरिक एक्स। क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्था की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी में रखी गई है। दिसंबर 2023 में भारत की खुदरा महंगाई दर कितनी हो गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.69% हो गई है। अब बारी है एडिशनल जीके की। आज के एडिशनल जीके में प्रमुख ऑपरेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेशन अजय जो है इसराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था, और ऑपरेशन कावेरी सुडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन दोस्त भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की सहायता के लिए किया गया था, और ऑपरेशन करुणा नौसेना द्वारा म्यांमार में चक्रवात राहत अभियान के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु मालदीव से भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। और ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा तीर्थ और पर्यटक स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए शुरू किया गया था ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किया गया था। और ऑपरेशन त्रिनेत्र जो है दो सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में पूंछ में आतंकियों के खिलाफ ये जो है ऑपरेशन चलाया गया था। तो आज का जो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करती हूँ आज का जो सेशन है काफी इम्पोर्टेंट रहा आपके लिए। तो ऐसे ही डेली करंट अफेयर की क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं वही क्वेश्चन लाती हूँ जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें इसका पीडीएफ नोट्स मिल जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।